दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन Yeah.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
कल मैंने क्या सुनाया था तुम बोल सकते हो? प्रहलाद की, हाँ प्रहलाद की जो महिमा कुछ याद है? तो फिर देख कर आनी चाहिए, जब इधर आओ थोड़ी सी देख करके आओ। ठीक है बच्चों, हाँ मैंने कल जो प्रहलाद की महिमा जो बताया था, हाँ जनार्दन आओ, कल जो मैंने बताया था थोड़ा 5 मिनट उसको सुनाओ। कल नथल कथल क्लास रहे, प्रहलाद गर महिमा कौन कथा सुनी थी? प्रहलाद गर कौन सुनी थी? सही विषय सुनो, माइक नहीं। प्रहलाद महाराज के तो महिमा कहेंगे। हरे कृष्ण वो जो छोड़ देगा तुम बोलो, वो जो छोड़ेगा उसको तुम बोलो। कल मैंने जो कथा सुनाई थी काफी पेन रखनी चाहिए, इसको नोट कर ले, देख लो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की जय। जोर से बोलो, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की जय। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, वैष्णव नाम लेवा हार की सुना करीबा, वैष्णव गुणगान करेले जीवर त्राण सुनिया से साधु गुरु मुखे। हमने वैष्णव परंपरा से श्रवण किया है, अगर जीव का वास्तविक कल्याण किसी में है, जैसे आम की गुठली के अंदर आम जन्म करने की शक्ति है, ठीक इसी प्रकार से एक वैष्णव जन्म तब ले सकता है जब वो किसी वैष्णव के अंदर ही हो। इसलिए देखो साधु संघ के अंदर से ही साधु उत्पन्न होते हैं नहीं, इसी प्रकार से वैष्णव के अंदर से ही वैष्णव आते हैं। परंतु यहाँ पे एक विशेष बात है, प्रहलाद महाराज जी सारे राक्षसों के अंदर से वैष्णव जन्म, क्या ये इसको गलत प्रमाणित करता है? नहीं, ये प्रहलाद महाराज जी के पूर्वगत संस्कार अगर हम श्रवण करेंगे। प्रहलाद महाराज जी पूर्व जन्म में कौन थे? एक बहुत आरती भक्त थे, जिनके जो दुख था उन्होंने अपने पत्नी को साथ उनकी वियोग हुआ, किसी लड़ाई के कारण हो, किसी भी प्रकार से वो जंगल में नरसिंह भगवान के मंदिर में पूरे रात नरसिंह चतुर्दशी। हाँ, ये जो प्रहलाद महाराज थे, कहते एक वेश्या के प्रति ये आसक्त थे पहले जन्म में, हैं? क्या हुआ, घर में पत्नी है, अब देखना तुम्हारी बीवी जितने सुंदर क्यों नहीं हो, अगर किसी दूसरे लड़की भले ही काली कंठी दांत निकली हुई हो, अगर किससे प्रेम हो जाए ना, वो अपना बीवी अच्छी नहीं लगती है, दूसरी अच्छी लगती है। इसलिए अभी प्रहलाद महाराज का क्या हुआ, अभी वो वेश्या के प्रति आसक्त हो गए, आसक्त हो गए तो वो घर का जितने सामान को धीरे 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 ले करके वो वेश्या को देने लग गए, वेश्या को देने लग गए। ये वेश्या कब तक प्रेम करती है? जब तक माल मिलेगा। अब कैसे हो, जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन और तुम कौन हैं? इसलिए अभी उसने पैसा जब तक देती रही तब तक तो अच्छे हैं, लेकिन जो पैसा ख़त्म हो गया ना, एक दिन खाली हाथ में पहुँच गया तो उसने इतने थूथकारा, बोले शर्म नहीं आ रहा है, खाली हाथ से मुंह दिखाने के लिए आ गया, किस लिए यहाँ पर आए हो? उसको इतना कष्ट लगा, घर का सारी सामान एक एक करके मैंने इसको सब कुछ दे दिया और एक दिन मैंने खाली हाथ में आ गया तो इतने थूथकारा, उसको इतना दुख हुआ, उसने
अभी घर में क्या मुंह दिखाएगा, घर का सारे सामान तो लेकर के वो वेश्या को दे दिया, अभी घर में मुंह दिखाने का लायक ही नहीं। उसने दुखी होकर के जंगल में चला गया। जब जंगल में चला गया, ये जो वेश्या थी, बाद में उसको थोड़ी सी दुख हुआ, बोले घर का सामान धीरे 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 तो मेरे को सब कुछ दे दिया, लेकिन एक दिन ही खाली हाथ में आ गया तो मैंने इतना उसको थुतकारा, मैंने गलत किया है। इतने में वो वेश्या भी उसको ढूंढते 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 पीछे गया। लेकिन वो जो प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में जो ब्राह्मण था, वो ऐसे करते कहते कि जंगल में गए, लेकिन भाग्य से उसी दिन में दूसरे कल्प में कहीं भगवान नरसिंह देव जन्म हुए थे। हम लोग नरसिंह तत्वदर्शी रखते हैं ना, सारा दिन ही हम लोग व्रत रखते हैं, शाम को ठाकुर जब आविर्भूत होते हैं उसको बाद में हम तब भी जाकर कुछ फल मूल को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किए, वो वेश्या के प्रति सबेरे सबेरे हो गई लड़ाई, दुख कष्ट हुआ, उसने पूरा निर्जला व्रत रख दिया। मतलब उसको पता नहीं आज नरसिंह भगवान की चतुर्दशी, लेकिन उसने दुखी होकर के भोजन नहीं किया तो उसको निर्जला व्रत हो गया। और उसने वो जंगल में घूमते घूमते, उसको पता नहीं था ये भगवान नरसिंह देव का मंदिर, वो था नरसिंह देव का मंदिर, वो जा करके उसी मंदिर में एक कोने में जा करके बैठ गया दुखी होकर के अंधकार में। लेकिन ये था नरसिंह देव का मंदिर, फिर नरसिंह चतुर्दशी, फिर निर्जला व्रत और नरसिंह देव का मंदिर में निवास, बस चार चांद लग गई। और वो जो वेश्या थी वो ढूंढते ढूंढते उसने आई, ढूंढते ढूंढते उसने ढूंढते ढूंढते आई तो उसने देखा उसको भी मिला नहीं, उसको भी पता नहीं उसने क्या की, उसी मंदिर का दूसरे कोने में चुप कर बैठ गई कि वो मिला ही नहीं। बस दोनों का हो गया नरसिंह चतुर्दशी। और दोनों को एक जीवन अनजान में अगर भगवान के तुम व्रत रख लोगे ना, कितना पुण्य, देखो कितने पुण्य। अगली जीवन में वो प्रहलाद महाराज होकर जन्म हुई, वो जो वेश्या थी वही उनकी पत्नी बनकर आई। मतलब इतने महत्व भगवान की भक्ति में, अनजान में जैसे एकादशी व्रत तुमको पता ही नहीं है, दो पति पत्नी में लड़ाई हुई सवेरे, देखना अगर वैसे बोले निर्जला व्रत रख रखेगा नहीं, अगर घर में लड़ाई हो गया ना, दो तीन दिन तक एकादशी व्रत रहेगा, दो तीन दिन तक पूरा एकादशी व्रत रहेगा। इसलिए दो पति पत्नी लड़ाई करके उसने एकादशी व्रत रखा तो दूसरे जीवन में देश का राजा रानी होकर के जन्म ग्रहण करते हैं। मतलब भगवान की भक्ति में अनजान में भी तुम कुछ कर लो ना, उसका फल जरूर मिलेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा, उसको पता नहीं ये आग क्या है, अगर वो आग में हाथ लगाएगा क्या आग छोड़ देगी, जलाएगी। बच्चे को पता नहीं, आपको पता नहीं ये जहर है, लेकिन अनजान में अगर जहर तेल तेल मान करके मुंह में डाल दिया, क्या बताओ क्या होगा, वो विष का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी तरह भगवान के लिए अनजान में भी अगर कुछ कर भी दो, उसका फल जरूर तुम्हें मिलेगा। इसलिए प्रभु जी वही बात करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे एक प्रश्न और भी हो सकता है, जो बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वर्णिंग दिया, हिरण्यकश्यप ने उसको घुमा फिरा करके दिन में नहीं, रात में नहीं, जल में नहीं, थल में नहीं, तो भगवान भी भगवान है, तो इसी हिसाब से उन्होंने नरसिंह भगवान को चुना, मतलब नरसिंह भगवान की रूप लिया। इससे कि जरूर असैद्धांतिक बात है जो होना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के अनुसार भगवान ने ऐसे रूप को बनाया और फिर उसको मारा, तो ये सरासर असैद्धांतिक है, क्योंकि पिछले कल्पों में नरसिंह भगवान के मंदिर में उन्होंने विश्राम किया था, तो इसीलिए पता चलता है कि ये भगवान की जो अवतार है नित्य अवतार है। हिरण्यकश्यप की बुद्धि में इतना नहीं था, वो जो मांगा वो भगवान, इसीलिए अनंत है। अनंत मतलब जितना हमारी बुद्धि जो है स्थान काल पात्र का नहीं होता है, परंतु भगवान ऐसा नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जी अब गयाधु के गर्भ में जन्म होने जा रहे हैं, देवताओं की चंगुल से रक्षा करके नारद जी उनको खूब सारे उपदेश सुनाए, किसको, गयाधु को। और गयाधु के अंदर वो जीव को वो सारा स्रोत मिलता रहा और गर्भ के अंदर ही, गर्भवास के अंदर ही उनको नारद जी जैसे शुद्ध साधु के संग प्राप्त हुआ। और यही कारण होता है कि जो भी माता पिता हैं वो सब जो संस्कार है माँ के गर्भ से जो डल जाता है वो वज्र बन करके आता है। इसीलिए जितने हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले क्या करते थे, उस समय सबसे बड़ा संस्कार जो होता था
बहुत संस्कार है, जात कर्म गर्भाधान कुंसर्वन अंतिम संस्कार, बहुत सारे संस्कार, 39 संस्कार है, कम करके 16 संस्कार होता है, परंतु जो मुख्य संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार। तो ये गर्भाधान संस्कार के बाद जैसे जैसे माँ पिताजी माताजी जिस प्रकार से उनको संस्कार देंगे उस हिसाब से बच्चा बड़ा होकर के वही गर्भ उनका पवित्र करता है। तो कयाद के गर्भ से प्रहलाद महाराज ने सारे आत्म तत्वों को प्राप्त करके हिरण्यकश्यप के साथ जो आत्मबल पे उन्होंने खूब लड़ाई करी, जबकि उनका उम्र था उस समय मात्र 5 साल। 5 साल के बाद उन्होंने जैसे विष्णु भक्ति को याजन किया, नवदा भक्ति को पालन किया, नवदा भक्ति को पालन करते करते जो हिरण्यकश्यप था वो इनका बड़ा पाप खुद का ही शत्रु हो गया, परंतु होते हुए भी प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप के जितने सारे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के उन्होंने श्री नरसिंह ठाकुर जी के विष्णु नारायण जी के उन्होंने क्या करी महिमा को प्रदर्शन किया। देखो एक बात यहाँ पे, जब नरसिंह हिरण्यकश्यप ने उनको काल कोठरी में बंद कर दिया, देखो उस समय की बालक के अंदर कितना मेधा है। वो कहते हैं कि जब बाद में उनको निकाला गया 20 दिन बाद प्रहलाद मर गए होंगे ये सोच करके जैसे उनको बाहर निकाला, तो हिरण्यकश्यप पूछता है कि बेटा तू इतने दिन तक मरा नहीं, तू जीवित कैसा है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, पिताजी मेरे को तो लगा था कि आप सारे जगत की मतलब तत्व को जानने वाले हो, आप विद्वान हो, परंतु मैं तो देखता हूँ आप अति अल्प बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं आप उससे भी ज्यादा मूर्ख हो। बोले वो कैसे? बोले कि पिताजी 9 महीने तक एक काल कोठरी इतना छोटा सा गर्भ थैले के अंदर जो 9 महीने तक तो खाए पिए और पूरा अपना पुष्ट होकर के आंख नाक सब कुछ निकाल करके बाहर आ जाते, तो उस काल कोठरी के अंदर कौन दे रहा था? और वो ही काल कोठरी के अंदर 9 महीने तक माँ के गर्भ के अंदर जिसने इतना सुंदर पाइप की व्यवस्था करके हमें खाना दिया है, क्या वो 19 दिन तक मुझे छोटे से काल कोठरी के अंदर खाना नहीं दे सकता है? तो इसी कारण देखो यही है भगवान की, कोई भी भक्त है ना, हमारे महाराज जी कहते हैं भक्त अगर उसके जीवन में कोई भी अच्छा चीज होगा, यत किंचित श्रोष्ठमेव स गुरुमेव यत किंचित अश्रोष्ठमेव स ममैव, इसका मतलब है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ मंगल हो रहा है वो मेरे गुरुजी के द्वारा या साधु संतों के माध्यम से, और अगर मेरे जीवन में कुछ भी अमंगल है तो वो सब कुछ ममैव यानी कि मेरे प्रारब्ध मेरे कर्म मेरे क्रियमाण जो कर्म है और मेरे प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ही हो रहा है। इसके बाद उन्होंने असुर बालक को उपदेश दिया, हमने कल गुरु जी से श्रवण किया, 100 साल के अंदर उस समय उन्होंने बताया, और 100 साल में भी ताहे नाना विध विपद भा, कि एक व्यक्ति अगर कलयुग में 100 साल जीता है उसमें भी तरह तरह की दुख कष्ट आते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए उसको एड़ी चोटी की जोर लगानी पड़ती है, तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति का पूरा समय देखा जाए तो 50 साल सोने में और 25 साल उसको पढ़ाई और इत्यादि करने में, तो इसकी लगभग सारा पुरुषार्थ करते करते 80 साल हो जाता है, 10-20 साल का रह जाता है, जब 10-20 साल का रह जाता है बस उस समय अपना भोग करने का भी जिसको क्षमता नहीं होता, तो रसगुल्ला नहीं खा सकता जिस उम्र में, वो क्या एकादशी व्रत करेगा, जरा सोचो। तो जिस उम्र में भोग नहीं हो सकता उस उम्र में क्या कोई परमार्थ ज्ञान कर सकता है, क्या उस उम्र में कोई 4 धाम परिक्रमा जो यात्रा कर सकता है? इसीलिए प्रहलाद महाराज जी कहते अगर करना है कौमाराचरे प्राज्ञा बचपन से ही करो, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, हमारे गुरु जी भी यही कहते हैं, जितने बच्चे हैं इन सब के प्रति क्यों इतना बड़ा वो है, क्यों हमारे घोड़े मठ में ज्यादातर स्कूलों में ज्यादातर बच्चों को इतना सा होते मृदंग बजाना सीख जाता है सारे हैं, क्यों? कारण यही है कि उन्होंने हमारे जो आदर्श को प्रहलाद महाराज जी है और प्रहलाद महाराज जी की नीति के अनुसार चलने के लिए इसी भी है। तो प्रहलाद महाराज जी ये एक ऐसा भक्त हुए, अभी हम वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा करने जा रहे थे, तो वैष्णव अपराध देखो कितना बड़ा होता है, जो प्रहलाद महाराज जी को नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज जी के ऊपर बहुत सारे विपत्ति आए थे पहले भी, विपत्ति आने के बावजूद भी उन्होंने भगवान को स्मरण किया था, परंतु उस समय भगवान अपने लोक में रहने करके प्रहलाद महाराज जी को बचाव कर दिया था या नहीं? परंतु आज अगर प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि इस खंभे में
भगवान है और उस समय अगर वो मान नहीं जाते और अगर हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए आ जाता तो भगवान वहीं पे ही उसको क्या कर देते, सुरक्षा दे देते। परंतु हुआ क्यों? क्योंकि आज केवल भक्त को रक्षा नहीं करना है, भक्त की वाणी को रक्षा करना है। यही कारण है कि भगवान सत्य संकल्प है। तो क्योंकि भगवान की एकमात्र संकल्प है कि वो क्या है, अपना भक्तों के वाणी को रक्षा करे। भक्त जो संकल्प कर लिया, इसीलिए महाभारत युद्ध हुआ, अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान ने जो संकल्प अपना था उसको तोड़ा। क्या संकल्प था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने उसको तोड़ करके क्या किया, अर्जुन के लिए अस्त्र उठाया। और भीष्म की प्रतिज्ञा ये था कि मैं कल सुबह होते ही भगवान शस्त्र धारण कराऊंगा। इसीलिए उस तरफ वाले भक्तों का भी मान रक्षा करने के लिए भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ करके भक्तों की प्रतिज्ञा और दोनों के बीच में भगवान अपने को क्या किया, अपना प्रतिज्ञा को तोड़ा। भगवान अपने भक्तों के लिए कभी तो चोर बन जाते हैं, तभी तो उनको चोर तो कहा जाता है। कभी अपने माधवेंद्र के लिए खीर छुपा देते हैं, कभी अपने भक्तों के लिए रण को छोड़ के चले जाते हैं, रण छोड़ पड़ जाता है। इस प्रकार के भगवान बदनाम रहते हैं। किसके लिए? केवल किसके लिए? भक्तों के लिए। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी जैसे उन्नत वैष्णव के उन्नत वैष्णव को रक्षा कैसे किया? देखो हिरण्यकश्यप कोई साधारण नहीं था। आज भक्त की प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए भगवान उस खंभे में अवतार लेना पड़ा। उसके बाद जब प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने विपत्ति आई, तब उन्होंने किया, भगवान ने देखा कि जो हिरण्यकश्यप है तो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत कुछ कर सकता था और इतने लोगों को उन्होंने सताया, इतने साधु संत को सताया, परंतु भगवान ने किसके लिए अवतार लिया? प्रहलाद महाराज जी के लिए। इसीलिए देखो इतना बड़ा वैष्णव अपराध हुआ है, नरसिंह भगवान ने उसी के लिए हुआ और उनका अवतार हुआ और पत्थर की तरह आकर के उसको मसल के चले गए। ये होता है भक्त। भक्त कभी ना अपना साधन नहीं दिखाते, परंतु उनके लिए दिखाने के लिए भगवान ही यथेष्ट है। भगवान कहते हैं तुम कुछ मत करो, इसलिए उनको देख कर कहा जब उठे ना प्रहलाद महाराज जी को, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा आदि शिव जी को मतलब एक फटकार मारे, शिव जी जाकर कैलाश में वहां पे जाके स्तुति की, उनके पास में भटक नहीं पाए। लक्ष्मी जी, एक व्यक्ति प्रसन्न होता है अपने स्त्री से, पत्नी से, वो पत्नी को देख करके भी दौड़ पड़े भगवान और लक्ष्मी जी भाग गई। ब्रह्मा जी बादलों के पीछे छिप करके देख रहे हैं, देवता सो बादलों के भीतर छिप करके। उग्रम वीरम बड़ा भयंकर रूप था, परंतु 5 साल का बच्चा आकर के देखा कि भगवान ऊपर देख रहे हैं, नीचे कोई पड़ा है। वो कहते ना कुल सके अहम हरे तो पादे को मूल दासानु दास भवितस्मी भी। भगवान को दिन दास दासत्व पसंद है। जैसे उनको अपने हाथों से उठा करके ऊपर बिठा करके देखा, भगवान उनको माफी मांग रहे। किसके लिए भगवान ने माफी मांगा? ये प्रहलाद महाराज की महिमा है। मंजुला मुख चूमी चूमी करी कहे प्रभु क्षमा कर वश देर हुई, कि मेरे से गलती हुई, कि मेरे से देर हुआ है, मैं आने में देर हुआ है। प्रहलाद तेरे ऊपर कितने भी विपत्तियां आए, परंतु तूने कभी भी मेरे को विष्णु को विस्मरण नहीं किया। इसलिए सततम स्मरतव्यम कीर्तितव्यस्य सततम हरि। भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सीधी सी बात है, जैसे हम गाड़ी में आते जाते हैं ना, देखना आपके हाथ में माला होगा, देखना कहीं पे भी एक झटकी सी लगे ना, सबसे पहले मुंह से वही विस्मृत होता है। ये प्रहलाद महाराज की महिमा है। हर पल हर क्षण उन्होंने भगवान का स्मरण किया। अतः स्मरणाच भक्ति का आचार्य बने प्रहलाद महाराज जी, जिनके लिए भगवान भी अपना अनेक अनेक रूपों को विभूषित करके महिमा मंडित किया। बादशाह कर राम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री प्रह्लाद महाराज की महिमा को श्रवण कर रहे थे, इसलिए इनका नाम है प्रह्लाद। क्या नाम है? प्रह्लाद मतलब क्या है? जो पूर्ण रूप में जो आनंद है, हर समय जो खुश रहते हैं। और उसको पिताजी का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप मतलब क्या? हिरण्य मतलब होता है सोना और कश्यप मतलब होता है बिस्तरा, जिसका बिस्तरा सोने का। मतलब क्या है? कभी ये सोने में उन्होंने परीक्षित महाराज कली को स्थान दिया, सोने में कली को स्थान दिया है। मतलब कल ही जिनका बिस्तरा है, हाँ ये बोले ऐसे क्यों हो गया? एक ये दोनों में लड़ाई हो ना, प्रह्लाद और श्री हिरण्यकश्यप, ये दोनों में लड़ाई हो रही। मतलब एक तरफ में भक्त और एक तरफ में दुष्ट। अभी एक भक्त क्यों हुआ, एक दुष्ट क्यों हुआ, देखो इसका रहस्य समझो। ये प्रह्लाद, ये कैसे प्रह्लाद हुआ, मतलब जीवन में आपको आनंद मिलेगा कैसे, हर समय खुश कैसे रहोगे? कद अगर किसी संतों का कृपा हो गया, आशीर्वाद हो गया, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। कद ये कैसे भक्त बना? हाँ, जिस समय श्री हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने के लिए चला गया, इंद्र ने देखा एक हिरण्यकश्यप तो दुनिया में टहलका मचा करके रखा इतना, और उसका जो पत्नी है ना, ये भी गर्भवती, अगर ये भी एक बच्चा जन्म दे दिया ना, हे भगवान, बाप और बेटा मिल करके हमको तो ये स्वर्ग में रहने नहीं देगी, ये स्वर्ग से हमें खदेड़ देंगे। इसलिए जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने के लिए गया, इतने में इंद्र आया और उसको पत्नी को उठा करके ले जा रहा था। लेकिन जो नारद सब जानते हैं, हैं सब जानते हैं, इतने में नारद जी आ गए, बोले क्या कर रहे हो? बोले मेरे अंदर में कोई गंदी भावना नहीं है, इसको पेट में बच्चा है, अगर ये बच्चा जन्म होगा ना, और बाप और बच्चे मिल करके हमको तो स्वर्ग में रहने देंगे, इसलिए इसको पत्नी को ले जा रहे हैं, और इसको जो बच्चा जन्म लेगा ना, उसको मार करके फिर मैं छोड़ दूंगा। तब नारद जी सारे रहस्य की बात बताई, बोले तू इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, तुमको पता है इसके पेट में क्या है? इसके पेट में भगवान के सबसे बड़ा भक्त श्री प्रह्लाद महाराज, इसके पेट में जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई। जब ये बात सुना, फिर तो नारद जी तीन बार परिक्रमा लगाया, परिक्रमा लगाकर वहां से भाग गया। फिर नारद जी उनको पत्नी को लेकर के आश्रम में गए और उनको बोले कुछ तुमको वर चाहिए? बोले एक ही वर दो, जब तक मेरे पति तपस्या करके वापस नहीं आता है तब तक मेरा बच्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो इंद्र मेरे बच्चे को मार डालेगा, जब उसको बाप आ जाएगा फिर तो बच्चे को रक्षा करेगा। बोले तथास्तु बोल दी, और हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया, और प्रह्लाद महाराज को नारद जी बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते रहे उनको माता जी को, लेकिन उसको पेट में बच्चा है, उसको पेट में बच्चा है। प्रह्लाद महाराज पेट में बैठ बैठ करके सारी कथा को याद कर लिया। इसलिए अभी बता रहे थे ना गर्भ संस्कार, इसका मतलब है अगर तुम्हारे पेट में बच्चा है, अगर तुम तुलसी परिक्रमा करते हो, बच्चा क्या कर रहा है तुम्हारे पेट में ना, वो उसका भी तुलसी परिक्रमा हो गया। जैसे तुम कथा सुन रहे हो, बच्चा तुम्हारी पेट में, फिर बच्चा को क्या हो गया, अभी पेट में वो भी कथा सुन रहा है। अगर तुम भागवत पढ़ रहे हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, भागवत पढ़ रहे हो, वो बच्चा क्या कर रहे हैं, वो भी भागवत पढ़ रहे हैं। तुम प्रसाद खा रहे हो, तुम्हारे पेट में बच्चा, वो भी प्रसाद खा रहे हो।
माँ जो खाएगा बच्चा तो ही खाएगा ना, मतलब जिसकी पेट में बच्चा है, अगर माँ अगर भगवान की भक्ति करता है, जैसे माँ एकादशी व्रत करता है, बच्चे भी एकादशी व्रत कर रहे हैं, पेट में भी आप जैसे जन्माष्टमी व्रत रख रहे हो, रामनवमी रख रहे हो, तुम्हारे पेट में बच्चा वो भी क्या कर रहा है, वो भी रामनवमी वो भी जन्माष्टमी कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु किट जन्म हो प्रभु यथा तुआ दास, प्रभु भले ही तू कहीं ना कहीं तू जन्म दे दे, इसलिए जैसे तुम्हारी भक्त का संग होते रहे, भक्तों का संग मेरे को प्राप्त हो, भक्त संग मिलता रहेगा तो तुम्हारी कथा सुनते रहेंगे, भक्ति मुहु प्रभु बताम तोई में प्रसंग भुआ दनंत महताम अमला सयानम, अगर तुम्हारी भक्त का संग होगा तो उनके मुखार बिंद से तुम्हारी कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बहती है अगर उसमें गोता लगाते रहेंगे ना, पर ध्रुव महाराज कह रहे ये माया को हम अनायास से ये माया को हम उधर पार पा जाएंगे, ये माया हमें कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें भगवान के भक्तों का संग की प्रभाव, इतने भक्त संग की महिमा, बड़ी महिमा। इसलिए प्रभुपाद कहते जैसे तुम लोग थोड़ी समय आकर के बैठ रहे ना, बहुत भाग्य से समझो, बहुत भाग्य से। इस समय लोग क्या करते होंगे, टीवी देखते होंगे, गप्पे मारते होंगे, बहू बेटी की चर्चा करते होंगे, इसकी चुगली करते होंगे, यही तो करते होंगे घर में, अब क्या करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यही बैठ बैठ कर करेंगे, लेकिन मंदिर में आकर कथा नहीं सुन सकते, क्यों, भाग्य होनी चाहिए, हैं भाग्य होनी चाहिए। प्रहलाद कहते हैं प्रभु बड़े भाग्य से कहीं भक्त संग मिलता है, इसलिए पेट में बैठ बैठ करके उसने सारी कथा को सुन लिया, तो किसकी कृपा हुई बोलो, नारद जी की कृपा हुई, अगर किसी संतों की कृपा होगा वो तो आनंद ही आनंद है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, प्रहलाद, उसका नाम हो गया प्रहलाद। लेकिन उसको पिताजी हिरण्यकश्यप क्यों बने, उसको पिताजी हिरण्यकश्यप क्यों बन गए, बोलो बोलो हिरण्यकश्यप क्यों बने, दुष्ट क्यों बन गए, बोलो, इतने इतने इतना दिन से कथा सुने, बोलो उसने हिरण्यकश्यप क्यों बने, देखो माता जी अभी बोलेगी, बोलो तो हाँ किस चीज की, हाँ देखो ये मैया कथा सुनते हैं, इसलिए कथा सुननी चाहिए, इसलिए कहती ये हिरण्यकश्यप उसको हिरण्याक्ष क्यों हुए, हाँ इसलिए कथा को नोट करनी चाहिए, हर कथा को तभी तो याद रहेगा, इतना दिन तक सुन करके। इसलिए कहते हैं ये एक तो हो गया प्रहलाद, और एक दूसरे तरफ में एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप दुष्ट हो गए, कहते दुष्ट क्यों हुए, हिरण्यकश्यप मतलब बता दिया, हिरण्याक्ष आँख मतलब आँखें, हिरण्य मतलब सोना, जिसको कहते भोग दृष्टि, केवल भोग चाह देखे भोग, क्यों कारण क्या है, कहते जब कोई संत हमारे ऊपर नाराज हो जाए उसका फल है भोग विषय में तुम्हारी रुचि भोग में प्रवृत्त, दुष्ट वृत्ति आएगा। इसलिए जिस समय चतुसन जब ब्रह्मलोक से जब उन्होंने ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आए नारायण की, क्योंकि इनकी चरण चंदन की खुशबू जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहे हैं, बोले ठाकुर की चरण तुलसी की चंदन की खुशबू, बोले वो कितने खुशबू नहीं हो गए, बोले हाँ बेटे बहुत सुंदर है, बोले पिताजी थोड़ा दर्शन करके आए, बोले जाओ दर्शन करके आओ, वो खुश हो गए, क्यों, ये पहले ब्रह्मज्ञानी थे, उनको पता है अगर ठाकुर को एक बार दर्शन करेंगे ना, कहते इन्हीं बिल्लो का तो अति हरसिता बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, भगवान को दर्शन करने से ब्रह्म सुख अपने आप खत्म हो जाता है, सब याद रखना। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने जब दर्शन करने के लिए आए, सात दरवाजा पार हो तो ठाकुर का दर्शन मिलेगा, छह दरवाजा तो पार हो गए, जब सप्तम दरवाजा में पहुंचे जय विजय ने अपना छड़ी को लगा दी, बोले कहाँ जा रहे हो नंगे धड़ंगे, पता नहीं लक्ष्मी नारायण अंदर में क्या करते होंगे, कोई पता नहीं, किसको घर में जाने से पहले तो पूछो भैया पति पत्नी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, हटा तुम अंदर में घुस जाओगे, कोई नियम है, अरे तो कम से कम तो तुम पूछो तो कहाँ जा रहे हो। इतने में चतुसन को क्रोध आ गया, ये ब्रह्मज्ञानी हैं, बोले हम जैसे ब्रह्मज्ञानी के लिए रोक ठोक है, अभिशाप देता हूँ, ये वैकुंठ है जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट, जहाँ पर काल का कोई प्रकोप नहीं, जहाँ पर है जहाँ पर डर भय कुछ नहीं, हम जैसे व्यक्ति के लिए रुकावट, जा हम अभिशाप देते हैं, तुम दोनों राक्षस जन्म में जा। इसलिए कहते जब संत हमारे ऊपर बिगड़ जाए उसका फल क्या है, चित्तवृत्ति
नष्ट हो जाता है, चित्तवृत्ति खराब हो जाता है। इसलिए एक प्रहलाद बने और एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने हैं। इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे, प्रहलाद महाराज की कितने महिमा। इसलिए ये कौन है, भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की। इसलिए जब उन्होंने हैं प्रहलाद महाराज की जब महिमा बताई, ये महिमा कौन बोल रहे हैं, कोई बोल सकता है, ये कौन किसको बोल रहे हैं, ये प्रहलाद महाराज की महिमा कौन बोल रहा है, हाँ हाँ शंकर जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, नारद जी को बोल रहे हैं। शंकर जी वैष्णव है, हैं परम वैष्णव, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव की महिमा को गा सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने इतने महिमा बोले, फिर तो नारद जी के मन में बड़े उत्कंठा हुई और हैं एक उत्कंठा हुई। तब फिर यहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज हैं, फिर किसको कह रहे हैं, कहते प्रहलाद नारद जी को कह रहे हैं, कहते मेरे को वैष्णव कह रहे हो, अगर वैष्णव देखना है तो कहाँ पर चले जाओ, तुम किसकिन किम पुरुष देश में चले जाओ, किम पुरुष देश में चले जाओ, वहाँ पर श्री हनुमान जी रहते हैं, उनको देखोगे मेरे ऊपर में ठाकुर जी का कहाँ कृपा हुआ, ठाकुर जी दर्शन दिए, मेरे को गोद में थोड़ा बैठा दिया, थोड़ा लाल लड़ा दिया, फिर भाग गई वहाँ से। और वो कहाँ रहते ना, उनको पता पड़ना बड़ा कठिन है, कल कभी तो द्वारका में, कभी वृंदावन में गैया चराते हैं, कभी महिषियों के पास में, कभी स्वर्ग में, पता नहीं उनको समझना बड़ा कठिन है, वो कहाँ कहाँ डोलते रहते हैं ठाकुर जी। इसलिए अगर भगवान की सबसे कृपा पात्र देखोगे, हम कह रहे थे ना भक्त, भक्त मतलब भज धातु सेवया, जो जितने भगवान की सेवा करता है वो उतना ही बड़ा भक्त है, जो जितने सेवा करता है ठाकुर जी को। पता है राधा रानी दिन भर क्या करती है, कृष्ण के लिए रसोई बनाती हैं, कृष्ण को श्रृंगार करती हैं, कृष्ण के लिए सुंदर फूलों की माला बनाती हैं, कृष्ण राधा कृष्ण के लिए दिन भर उनकी सेवा में, दिन भर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। कौन लगे हुए है, श्री राधा रानी। इसलिए कहते वो व्यक्ति उतना ही बड़ा वैष्णव है जो जितना सेवा करता है। मैंने सेवा कहाँ की बताओ, कोई सेवा ही नहीं किया, प्रकट हुए ठाकुर जी प्यार दिए, भाग गए ठाकुर जी। हाँ अगर कोई सेवा करता है, श्री हनुमान जी सेवा करते हैं, इनके जैसे सेवक जगत में कोई नहीं, भगवान के सबसे बड़े सेवक श्री हनुमंत लाल जी। तब उन्होंने श्री हनुमान की उन्होंने महिमा बताए, बोले देखो किम पुरुष देश में जाओ, वहीं पर श्री हनुमान जी को देखोगे। कहते जहाँ पर श्री हनुमान जी हजार वर्ष तक निर्विघ्न रूप में भगवान की सेवा सुख को जो आस्वादन करते हैं, और हनुमान जी बचपन से बड़ा बलिष्ठ थे, बड़ा बलिष्ठ। अब देखे हो ना हनुमान की कथा, कैसे उन्होंने जब जन्म हुए भूख लगा और सूरज को देखा तो सोचा कोई काशी फल, कोई मीठा फल होगा, और छलांग लगाए और पूरा उन्होंने किसको निगल गया, पूरा सूरज को उन्होंने निगल गया, चारों तरफ में अंधकार हो गया है, चारों तरफ में हाहाकार मच गया। इतने में इंद्र ने आकर क्या किया, वज्र से मारे हैं, वज्र से मारे तो हनुमान बेहोश हो गया। जब पवन को, जब श्री पवन देव को पता चला, उन्होंने पूरा हवा बंद कर दिया, सबका हवा बंद कर दी उन्होंने हैं, सभी का हाहाकार मच गया हैं, हाहाकार मच गई। इतने में फिर सारे देवता लोग आकर के फिर हनुमान को प्राण दान दिया, और जितने देवता लोग थे ना हनुमान जी का आशीर्वाद दिया, सब देवता लोग को मिलकर के आशीर्वाद दिया हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी बोले, कहते मेरे जो ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। इंद्र भी बोले, मेरा वज्र भी तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। जितने सब देवता लोग हनुमान जी को वरदान दिए, हमारी अस्त्र तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं करेगा, तुम अजर अमर तक, तुम अजर अमर तक तुम प्राप्त करोगे। इसलिए हाँ, इसलिए कहते ये उन्होंने क्या वर प्राप्त किया, बोले जरा और अमर, तुम सब समय के लिए अजर अमरत को तुम प्राप्त करो, कभी तुम कभी बूढ़ा नहीं बनोगे हैं। इसलिए श्री हनुमान जी फिर अखंड ब्रह्मचर्य को जो पालन करने वाले, इसलिए हनुमान जी कभी शादी नहीं किया। हनुमान शादी किया है, शादी नहीं किया, क्यों शादी नहीं किया, कहते जिस समय श्री हनुमान जी कहते शंकर कहते रुद्र देह तेज नेह बस वानर भय हनुमान, इसलिए
जब श्री शंकर जी ने देखा ये शंकर जी के शरीर से मैं ठाकुर को कोई सेवा कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये रुद्र देह को परित्याग करके उन्होंने श्री बांदर बने, श्री हनुमान बने। जब हनुमान बन करके आ रहे थे, अब देखना जब पुरुष कहीं बाहर में किसी काम के लिए कहीं जाते हैं ना, जाते कहीं घूमने के लिए, पहले पत्नी पहले रेडी रह कर रहती है, साड़ी फाड़ी पहनी पहनी करके सज धज कर रहती है, और पति को साथ में जाने के लिए हर समय तैयार रहती है, मेरे को भी साथ में ले चलो। अभी पार्वती भी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं प्रभु की सेवा करने के लिए। बोले मेरे को, मैं नहीं जाऊँगी, मैं भी चलूँगी। बोले नहीं, वहाँ पर तुम्हारी कोई काम नहीं। बोले कैसे काम नहीं, जब आप जाओगे अकेले थोड़ी जाओगे, मैं भी चलूँगी आपके साथ में। वो तो पीछे पड़ी गई। बोले देखो ये जो अवतार में मैं ब्रह्मचारी बन करके जाऊँगा, अब ब्रह्मचारियों का स्त्री से कोई संबंध नहीं रहता है ब्रह्मचारियों का, इसलिए तुम्हारी क्या काम है, मैं तो ब्रह्मचारी बन करके जाऊँगा, अखंड ब्रह्मचर्य पालन करते हुए मैं ठाकुर जी को मैं सेवा करूँगा। ब्रह्मचारी ना कोई पीछे नहीं आगे नहीं, पूरा एनर्जी को हम क्या करेंगे, भगवान की पूरा सेवा में, ठाकुर को सेवा में अर्पण करूँगा, 24 घंटा प्रभु की राम की सेवा में लगा रहूँगा। बोले नहीं मैं चलूँगी, मेरे को ले चलो। बोले तेरे कोई काम नहीं, बोले तो मैं चलूँगी। उन्होंने क्या किया, बोले उनकी पूछ में, हनुमान जी की पूछ में बैठी गई। जब पूछ में बैठी गई, जब लंका में पहुँचे तो रावण कहाँ पर आग लगाया, हनुमान की पूछ में, और पूछ में कौन बैठा है, पार्वती और माँ जगदम्बा। अगर माँ पार्वती में आग लगाई फिर छोड़ेगी, लंका जला करके पूरा उन्होंने पूरा लंका जला करके राख बना दिया, क्योंकि वहां पर पार्वती की निवास, वहां पर पार्वती की थी। इसलिए कहते श्री हनुमत लाल जी, कहते अखंड ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए त्रयोदश सहस्र वत्सर अग्निहोत्र को द्वारा प्रभु की उन्होंने सेवा उन्होंने किया है, हैं? इसलिए हनुमान जी की कोई डर भय नहीं, और हनुमान जी सर्वशास्त्र को ज्ञान, क्योंकि शंकर जी है ना सारे शास्त्र को जो जानते हैं, इसलिए कहते भगवान राम की सबसे बड़ा सेवक कौन है, श्री हनुमत लाल। इसलिए कल सुन रहे थे ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए भगवान हनुमान जी क्या, बोले दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर, ये तीन वीर हनुमान के अंदर में, दानवीर धर्मवीर और युद्धवीर। कदी ये त्रिविध जो वर है ब्रह्मा जी हनुमान जी को, ये तीन वर उन्होंने प्रदान किया, और उन्होंने जिस समय उन्होंने माता सीता जी को पता लगाने के लिए उन्होंने गए, पता लगाने के लिए गए, कितना जोजन, बोले सत्तो जोजन सागर को उन्हें लांग करके गए। जो काम कोई तो बोला 100 जोजन कहीं कर सकता, कहीं बोल रहा था जा सकता वापस नहीं आ सकता है, लेकिन हनुमान जी हैं, हनुमान जी की इनकी जो महिमा को उन्होंने गाए, हनुमान तो चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन जब उनकी महिमा को कोई गाए, उनको वरदान था, जब तुम्हारी महिमा को कोई गाएगा ना फिर तुम्हारे सारे पराक्रम फिर निकलेगा। फिर हनुमान जी जय श्री राम बोल करके उन्होंने सत्तो जजन समुद्र को लंग कर गए। इतना नहीं, बीच में तीन तीन बार उनको परीक्षा आई, बीच में एक राक्षस आ गई ना, वो परीक्षा कर रही थी हनुमान जी को, हैं? वो परीक्षा कर रही थी, बोले तुमको मेरे मुंह में आना पड़ेगा। हनुमान जी क्या किया, अपना शरीर को बढ़ाया, जितने बढ़ाया राक्षस उतना बढ़ा रही थी, हनुमान जी उतना बढ़ा रहे थे, अब बढ़ाते बढ़ाते हनुमान जी छोटे बन करके झट मुंह में गए और बाहर आ गए। बोले वाह तुम्हारी बात रखिया हो गई, तुम कह रहे इतना मेरे मुंह में आना पड़ेगा, तेरे मुंह तो मैं तो आ गया मैंने। बोले मैं तुमको परीक्षा, यही परीक्षा कर रहा था, तुम लंका में जा करके तुम क्या करोगे वहां पर, हैं? इसलिए परीक्षा में पास हो करके जब उन्होंने वहां पर पहुंचे, फिर लंकिनी अंदर में घुसने नहीं दे रही थी। हनुमान जी सोच रहे थे बुद्धिमान का काम वही है, अपना काम को करके वापस चलिया जाने, झगड़ा करके क्या लाभ। हनुमान जी एकदम सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में प्रवेश करना चाह रहे थे, इतने में लंकिनी बोले
तुम कौन हो, मेरे आंख में धूल झोंक करके जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, हैं? मैं लंकिनी हूँ। इतने में हनुमान जी सोच रहे थे इससे लड़ाई करके क्या होगा, लेकिन तो जाने ही नहीं देगी। फिर हनुमान जी विशाल रूप धारण किया, अरे मुक्का मारी, एक मुक्का से उसकी छक्का छुड़ा दिए और उसको मुंह से खून की उल्टी होने लग गई। फिर उसने बोले, बोले पितामह ब्रह्मा जी मेरे को बोल कर गए थे, जब एक बंदर आएगा और एक मुक्का मारेगा उससे तुम बेहोश हो जाओगी, समझना ये लंका ध्वंस होने वाली। और लंकिनी, वो जो लंकिनी थी लंका की रक्षा करने वाली, उसकी स्वरूप थी। बोले मैं जा रही हूँ, आज मेरे ड्यूटी खत्म हो गया, अभी ये लंका ध्वंस होने वाली, ये लंका है। इसलिए उन्होंने चले गए। फिर हनुमान जी क्या किया, रात भर ढूंढ रहे थे माता सीता कहाँ, सीता कहाँ। तो इतने में उन्होंने पहुंचे रावण जी घर में। जब पहुंचे वहां पर तो मंदोदरी इतने सुंदरी थी, जिसको देख कर हनुमान जी भ्रमित हो गए, बोले यही तो माँ सीता, नहीं इतने सुंदरी। फिर देखा रावण के पास में सैया हुआ, अस्त वस्त्र, फिर शराब पी करके। बोले माँ जानकी तो इसी स्वरूप में कभी नहीं रहेगी, तो उसको तो नींद नहीं आती होगी राम का विरह में, ये कभी माता जानकी नहीं। फिर उन्होंने उतरे कैसे, जब उन्होंने से तुलसी की बगीचा को उन्होंने देखा, बोले लंका में तुलसी बगीचा कैसे, ये तो असंभव है, तुलसी बगीचा से किसी भक्तों के घर में हुआ करता है, ये लंका में कैसे है। इसलिए यहाँ नियम बताया, हर घर में तुलसी की पौधा होनी चाहिए। जहाँ तुलसी की पौधा होगा ना, देखने से पता चल जाएगा भैया इसके घर में ये कोई भगवान की भक्त हैं। और जिस घर में, हमारे शास्त्र में बताया, जिसकी घर में जितने सुंदर तुलसी होगा उसका भक्ति उतना बढ़ती है। अब देखना किस किस घर में तुलसी नहीं रहती है, हैं? जिसकी घर में जितने सुंदर तुलसी, समझना भक्ति अच्छी होगी तो तुलसी बढ़ेगी। अगर भक्ति तुम्हारी अच्छी नहीं होगी तुलसी नहीं बढ़ेगी, इसलिए तुलसी लक्ष्मी है। और जिसकी घर में जितने अच्छी तुलसी होगी, माँ लक्ष्मी की भी उसके घर में उतना कृपा होगी, लक्ष्मी भी घर में खूब आएगी। इसलिए हैं, हाँ, प्रेम प्रभु जी के घर में छत के ऊपर में 100 तुलसी वृक्ष लगे, उन्होंने उनको छत में तुलसी तुलसी इसलिए तुलसी है ना, इसलिए ये तुलसी की, तुलसी लक्ष्मी है ना, माँ लक्ष्मी तुलसी है। इसलिए हनुमान जी तुलसी वृक्ष देख करके उन्होंने उत्तर करके आए। फिर उत्तर क्या देखा, लिखा हुआ श्री राम। बोले श्री राम मेरे प्रभु का नाम लंका में। फिर देखा शंख चक्र गदा पद्म, बोले ये तो सबके सब मेरे प्रभु का लक्षण है। फिर हनुमान जी सोचे, भैया मेरे को कोई तो भ्रमित नहीं कर रहे हैं, इधर रावणपुरी लंकापुरी मेरे को तो कोई भ्रमित नहीं कर रहे। फिर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया देखा श्री विभीषण के रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम, राम का नाम निकल रहा था। बोले भैया ये जरूर राम की पक्का भक्त, क्योंकि किसी कपट व्यक्ति का रोम रोम से कभी राम का नाम नहीं निकलेगा, किसी शुद्ध साधु की रोम रोम से ही प्रभु का नाम निकल सकता है। फिर उनको विश्वास हुआ, फिर बाहर आए, दरवाजा खटखट किया, फिर विभीषण आए, फिर दोनों के अंदर में बात हुई। जब विभीषण को पता चला ये कौन है हनुमान जी, राम के एक अनिष्ट भक्त श्री हनुमान जी, तब वो क्या कहते हैं, आज मोय भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबीरी मोहे अनुग्रह किनी तो मई दरस अट दे। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा हुई, मैं कभी भी नहीं सोच सकता। चारी तरफ में जहाँ राक्षस राक्षस घिरे हुए और उसको बीच में भगवान के सबसे प्यारे हनुमान जी का भेंट, कभी तो मैं सोच नहीं सकता हूँ। मेरे को प्रभु प्राप्ति में और कोई देर नहीं, प्रभु मेरे को जल्दी मिलेंगे, हैं जल्दी मिलेंगे। फिर बात हुई, बोले माता सीता कहाँ, उन्होंने बोले ये अशोक वाटिका में माँ सीता। बोले मैं तेरे लिए एक काम करता, तू मेरे लिए एक काम कर देना। बोले देखो जब पिता माता तेरे पास में, बाप मेरे पास में, माँ तेरे पास में, बाप हनुमान के पास में, और मेरे पास में कौन, माँ, तब पूर्ण कब होता है, जब बाप माँ के मिलन हो जाए तभी तो पूर्ण होगा ना। इसलिए तेरे लिए मैं एक काम करता, मेरे लिए तू एक काम करना। बोले क्या, बोले मैं, मेरे पास में माँ, तेरे को मैं माँ से मिला देता हूँ और तू मेरे को बाप से मिला देना। बोले ठीक है मैं कर दूंगा। उन्होंने माँ से मिला दिया और जब रावण विभीषण को लात मार कर भगा दी,
उसने जब वापस आई इतने में बांदर सन्न पूछे तू है कौन, बोले मैं रावण का छोटा भैया। बोले रावण का छोटा भैया, कल सवेरे युद्ध होने वाले, ये दुष्ट लोग होते हैं राक्षस लोग, ऐसे नहीं कोई गुप्तचर रूप में तो नहीं आया है, इसलिए उसको रस्सी में बांध बूंद करके लेकर के आए। राम के पास में जब आए वहां पर देखा हनुमान जी बैठे हुए, हे हनुमान को देखकर उसका कलर थोड़ा ऊंचा हो गया। बोले क्यों? बोले यहाँ पर कोई परिचित व्यक्ति है हमारी, हाँ जो जान परिचित व्यक्ति, काम लगता है जल्दी हो जाएगी। जब वहां पर पहुंचे हनुमान जी बोले भीमषण कैसे हो? बोले मेरे से बात मत करो। बोले क्यों? बोले तू लंका में आया था, और लंका में आया था तुमने बताया तुम्हारे पास में बाप, मेरे पास में माँ है, तू मेरे को माँ से मिला तो तेरे को मैं बाप से मिला दूंगा, तेरे को माँ से मिलाया और देखो मैं आया बाप से मिलने के लिए, देखो मेरे को कैसे रस्सी में बांध बूंद करके लाए। बोले तुमने परिचय किया दिया है? बोले मैंने परिचय दिया रावण का छोटा भैया। बोले तभी तो बांध करके लाए तभी तो तेरे को हाँ, जो भगवान की शत्रु के जो छोटे भाई का परिचय दिया, तेरा सम्मान लेकर के आए। हाँ अगर इतना तू परिचय दे देता ना, हनुमान का मैं मित्र हूँ, हनुमान का मैं मित्र हूँ, तेरे को स्वागत करके ले आते। शिक्षा क्या देते हैं? अपना जो परिचय है ना, कहीं भी जा करके मेरा नाम अमुक है, मेरा ये डिग्री, हम ऐसे नहीं, परिचय ये नहीं। इसलिए हमारे परिचय किया वैष्णव दास के दास के दास, तोद भृत 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 से प्रत्य, भक्तों का परिचय हम भगवान की, सेवक के सेवक के सेवक के हम सेवक है, ये परिचय अगर दोगे। भास भगवान खुद कहते हैं, जो कहता है मेरा भक्त हो मेरा भक्त नहीं, जो कहता है मैं भक्तों का भक्त हूँ, भगवान कहते मेरे वो असली वही भृत्य है। इसलिए अब हनुमान की बहुत सारी कथा है, कल ये कथा का हम सुनेंगे। अभी हमारे चिराग प्रभु जी कल सबर की कथा सुना रही थी, वो थोड़ा सबर की कथा आपको आज सबर की पूरी कथा सुना देंगे, ठीक है? बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम, जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुया कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म पूज्य पाद भक्ति विदान श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उसके बाद मेरे परम गुरुदेव पूज्य पाद भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा सदैव जयुक्त हो एवं उपस्थित यहाँ पर समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को बार 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 प्रणाम। सबसे पहले तो बलराम प्रभु जी आपको मेरा करबद्ध धन्यवाद, आपने आज इतनी बड़ी मेरी हेल्प करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पर कल शबरी जी का चरित्र हम लोग कह रहे थे, श्री महाराज जी की कृपा से इनका दिव्य दिया हुआ प्रसाद आप तक वितरित कल किया, तो आधा चरित्र हम लोगों ने कल भगवत कृपा से गुरुदेव की कृपा से यथामति जो भी इन्होंने प्रदान किया, यद्यपि इन्होंने पढ़ाया बहुत पर अपनी अल्प बुद्धि के कारण में थोड़ा ही सीख पाया, इस कारण से महाराज शेष जो चरित्र है वो आज हम लोग जैसा श्री महाराज जी बुलवाएंगे वैसा हम लोग बोलेंगे। देखिए शबरी जी
था क्योंकि आज का मेरा एग्जाम था, तो एग्जाम की तैयारी भी करनी थी। और उसके बाद महाराज जी एग्जाम देकर के अभी मैं आया तो फिर मैं सो रहा था, मात्र केवल 20 मिनट उठा, उसमें से भी मैंने स्नान किया, सब कुछ किया, और मात्र केवल और केवल 20 मिनट के अंदर अंदर ही जो कुछ हो सका जल्दी जल्दी में श्री शबरी जी का चरित्र आपके सामने जो कहना था श्री महाराज जी बुलवाएंगे वो सब प्रिपेयर किया। देखिए शबरी जी, जब श्री राम शबरी जी के पास आए तो श्री राम जी ने शबरी को क्या कह करके संबोधित किया, भामिनी। तीन बार श्री रामचरित मानस में शबरी जी को राम जी ने भामिनी शब्द का प्रयोग किया है। कहरे गुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करे नाता एक, स्वयति सह प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। दो, जनक सुता की सुधि भामिनी, जानहु करि तरुवर गामिनी। तीन, तीन बार क्यों भामिनी शब्द संबोधित किया, इस पर टीका लिखी है महाराज। क्यों तीन बार भामिनी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि शबरी जी के भीतर श्री राम को पहली भामिनी के उल्लेख से माता कौशल्या के दर्शन हो रहे हैं, दूसरा माता कैकेयी के दर्शन हो रहे हैं, और तीसरा भगवती सुमित्रा के दर्शन हो रहे हैं। तीनों मैयाओं के दर्शन शबरी जी में राम जी को हो रहे हैं, इस कारण से तीन बार भामिनी शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, शबरी का अर्थ क्या है, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, महर्षि जब श्री राम जी शबरी जी के पास पहुंच जा रहे हैं तो राम जी ने, तो वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई गवार, किसी गवार के पास जा रहे हैं, किसी शबर जाति की गवार के पास, गवारिन के पास आप पहुंच रहे, नहीं, शबरी सह परम सौभाग्येन अभिगच्छ यथा तात सुखम। शबरी जो परम सौभाग्यवान है उसके पास आप बहुत सम्मान पूर्वक जाइए, ये श्री वाल्मीकि जी के शब्द है महाराज। तो क्या हुआ, कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्री शबरी जी जो है उनको पकड़ लिया सारे के सारे मुनि ने, पर श्री मतंग मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, इसे इन्हें परेशान मत करो, सारी चीजें पूछी मतंग जी ने कि तू क्यों आई है, तो शबरी जी ने अपना परिचय दिया है। जैसे ही परिचय दिया, कहा शबरी जी ने कि मुझको भगवान के दर्शन की आस है, भगवान के चरणों में प्रेम की आशा है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो भगवान श्री मतंग जी ने उनको महाराज दीक्षा प्रदान करी है। दियो पास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, दियो पास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुनी शेष सबे कीनी पास, कीनी पाती न्यारी है। श्रवण में कान में महाराज मंत्र दिया, श्री भगवान का दिव्य प्रेमा प्रेम का मंत्र दिया, भगवान नाम मंत्र शबरी जी को प्रदान किया है, गले में तुलसी स्थापित करी है। महाराज जी तुलसी स्थापित करके श्री भगवान का दिव्य सूत्र स्थापित किया है, महाराज मस्तक पर तिलक सुशोभित करके दिव्य चिन्हों को आपूलित किया है, जैसे कोई नई नई दुल्हन महाराज बाहर जाती है, अपने घर से बाहर जाती है तो उसके गले में मंगल सूत्र विराजमान है, महाराज मस्तक पे बिंदी सुशोभित है, मांग में सिंदूर सुशोभित है, तो सामने कामी व्यक्ति की दृष्टि देख करके एक बार झुक जाती है कि ये किसी की परिणीता है, इसका पाणि ग्रहण कर लिया है, इस पर नजर डालने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी की परिणीता हो गई है, दिव्य विवाह के मंत्रों द्वारा इसका और इसके पति का दिव्य लग्न हो चुका है। ऐसे ही जब कोई वैष्णव महाराज गले में तुलसी की कंठी और मस्तक पर तिलक आपूलित करके बाहर जाता है तो सामने खड़ी हुई गंदी माया और वासना भी एक बार देख करके सोचती है कि इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये श्री गोविंद का है। इस कारण से महाराज दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, श्रवण में नाम दिया है महाराज। फिर क्या, फिर उसके बाद कुछ दिन हुए, सेवा करते करते शबरी जी के दिन बीते हैं महाराज। एक दिन मतंग ऋषि ने पास बुलाया है, क्या कहा है, शबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो पर
आज्ञा प्रभु पाई है, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पाई है। शबरी जी से कहा मदन मुनि ने कि शबरी बेटी, मैं जा रहा हूं भगवान के धाम, भगवान का संदेश आ गया है, मेरी भजन करते करते मेरी यहाँ पृथ्वी पर अवधि पूरी हो गई है, मेरे जाने का समय निश्चित हो गया है, मैं जा रहा हूँ। शबरी जी महाराज इतना जोर से व्याकुल होकर के तड़प उठी, बोली प्रभु मुझे भगवान का दर्शन नहीं पर गुरु से वियोग नहीं चाहिए, आपकी वजह से मुझे परम सुख की भजन में अनुभूति हुई है, आप परम मेरे सतगुरु देव हैं, इसलिए आप मुझे भी संग ले चलिए, मैं आपका वियोग कैसे सहन करूं। तो भगवान शबरी जी ने कहा, भगवान मदन ने कहा, नहीं नहीं देखो राम जी आएंगे, यदि राम जी इस रास्ते से जब जाएंगे तो सारे आश्रमों में देख करके जाएंगे, तो सब लोगों के यहाँ आतिथ्य प्रदान, भगवान आतिथ्य स्वीकार करेंगे, यदि मेरे आश्रम से बाहर आए और यदि यहाँ पर भगवान का आतिथ्य करने के लिए कोई नहीं रहा तो मेरे आश्रम का मान क्या रहेगा बच्चे, इस कारण से तू यही रहे और यहाँ पर रह करके तुझे राम जी के दर्शन अवश्य होंगे, तू प्रतीक्षा कर और भगवान का दिव्य भजन कर, मेरे द्वारा प्रदत्त मंत्र का तू नित्य जप कर और गुरुदेव की कृपा से, मेरे परम अनुराग से, परम आशीष से तुझे श्री राम जी को राम जी अवश्य मिलेंगे। इतना कह करके महाराज गुरुदेव ने समाधि लगाई है और श्री मदन जी पहुंच गए हैं श्री भगवान के यहाँ। लेकिन जो स्थान जिस श्री मदन जी गए हैं, जिस स्थान पर भजन कर किया है मदन जी ने, महाराज दिव्य तेज पुंज उधर रह गया है, शबरी जी नित्य दर्शन करती उसके, उनको साक्षात महाराज उनको प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करती। शबरी जी के मन में बड़ा गुरुदेव का वियोग है, गुरु को वियोग ही दारुण ले शोक दियो, जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। जब गुरुदेव चले गए तो महाराज गुरुदेव का वियोग शबरी जी को होने लगा, लेकिन गुरुदेव कहकर के गए हैं उनके वचन का पालन करना महाराज, लेकिन राम जी के दर्शन की आशा लग रही है महाराज, इस दिव्य आशा के कारण वे वहां पर रहकर के भजन करें। अच्छा महाराज एक बार क्या हुआ, शबरी जी झाड़ू निकाल रही है, जैसे ही शबरी जी अच्छा महाराज जब मदन ने उनको दिव्य महाराज उपदेश किया, कान ने नाम दिया, तब सारे ऋषि ने कहा कि इसको क्यों नाम दिया है, यह बधिता है, परंतु श्री मदन जी ने किसी को नहीं स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे शबरी जी की महिमा। महाराज गुरुदेव के पास यदि कोई शिष्य आता है तो गुरुदेव उसका महाराज पीछे का स्वरूप नहीं देखते कि उसका फीडबैक क्या है, वो तो ये देखते हैं कि अब इसका होने वाला आगे का महाराज प्रोसीजर क्या है, इसका कल्याण कैसे हो। गुरुदेव को किसी की संपत्ति की आवश्यकता नहीं क्योंकि राधा माधव दिव्य संपत्ति जो है वो उनके पास रहती है, तो अन्य संपत्ति अन्य भूषणम किम प्रयोजनम, और किसी चीज की क्या आवश्यकता है उनको, लेकिन सभी पर कल्याण सभी पर कृपा बरसाने के लिए ही गुरुदेव का आगमन होता है महाराज। तो फिर एक बार वह नहाने शबरी जी झाड़ू निकाल रही थी, एक ऋषि जा रहे थे वहां से, तो झाड़ू निकालते निकालते महाराज एक कंगर ऋषि के वस्त्रों पर लग गया उछल करके, नहाई बे की पाट निशि जात ही बुहारी सब, नहाई बे की बाट निशि जात ही बुहारी सब, भइयो अपार ऋषि देखी व्यथा बागी है। जैसे ही वो कंकर लगा महाराज ऋषि को क्रोध आया, छुयो गयो नेकु कहुरी झत अनेक भांति करके विवेक गयो नहान यह भागी है। जैसे ही महाराज उस कंकर और ऋषि के कपड़ों को छुआ, ऋषि एकदम से तिल मिला उठा, उसने कहा ए अभागर ये क्या कर रही है, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया है, तेरे द्वारा छुआ हुआ कंकर मुझको लग गया, मैं अपवित्र हो गया। महाराज साधना का अहंकार व्यक्ति को उधर तक नहीं नीचे गड्ढे तक पहुंचा देता है, इसलिए साधना कहा है जब भगवान नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं तो भगवान ने कहा है महाराज
प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी गतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अमानी होकर के अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अमानी होकर के और दूसरों को मान्यता दे करके तभी कीर्तनीय सदा हरि, दूसरा अर्थ है तभी श्री गोविंद का कीर्तन संभव है महाराज। इस कारण से जब उसने कहा कि ये क्या किया महाराज, वो स्नान के लिए गया, अपवित्र हो गया, मैं अपवित्र हो गया, ऐसा करके जब उसने स्नान करने के लिए महाराज सरोवर में महाराज डुबकी लगाई तो क्या हुआ, जल सो रुधिर भयो नाना कृमि भर गयो। शबरी जी का अपमान किया ना, किसी भक्ता का अपमान किया तो क्या फल मिला महाराज, जैसे ही वो उन्होंने स्नान करने के लिए जल में डुबकी लगाई सारा का सारा जल खूनमय हो गया महाराज, बड़े गंदे घटिया कीड़े उसमें चलने लग गए। नयो पायो सोच तो हूँ जाने ना अभागी है, सोचने लग गए हे भगवान कैसी पतिता का स्पर्श कर लिया कि मेरे स्नान करने से उसके स्पर्श से यह जो जल है यह भी गंदा हो गया। अब उनका सोचना यह कि यह भी शबरी जी से हुआ, पर महाराज जी क्या कोई कर सके, जब अहंकार उच्च शिखर पर पहुंच जाता है तब महाराज श्री भगवान को यह सब पसंद नहीं। अहंकार महाराज मदश्य मद चंचले वच, श्रीपाद चक्रवर्ती कह रहे हैं जब श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा कोई और स्थिर कर लेता है हृदय में तो वह मद होता है, और भगवान मद भंजनी है, श्री भगवान मद का भंजन करने के लिए श्री भगवान अवश्य कृपा करते हैं। महाराज शबरी जी ने अपने दिन कैसे काटे हैं इसकी जरा एक झांकी देखिए। लावे बन बेर लागी राम की अब सिर भल, चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग है, मारग में जदी रहे लोचन बिछाए कभू आवे रघुराई दृग पावे निज भोग है, आवे रघुराई दृग पावे निज भोग है। अर्थात कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए, पल तन मग झारे चुन चुन पुष्प बिछाए, हाँ मीठे फल चख कर मीठे फल चख कर नित्य सजावे थाली, मीठे फल चख कर नित्य सजावे थाली, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, कब दर्शन देंगे हाँ कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, हा प्रभु दर्शन दे तो भाग जगे शबरी के, हा हा रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। महाराज जी कंकर बिना और महाराज सारे के सारे मार्ग में पुष्पों को बिछा देना, श्री भगवान के लिए नित्य महाराज फल को चख कर के दोने में रख करके तैयार रखना कि प्रभु कब आ जाएंगे कब आ जाएंगे। शुद्ध वाल्मीकि कहते हैं महाराज कोई एक कंकर कोई एक पत्ता भी खनकता है तो भी शबरी एकदम से महाराज स्थापित हो जाती है, एकदम से अटेंशन मुद्रा में आ जाती है कि कहीं प्रभु तो नहीं आ गए कहीं प्रभु तो नहीं आ गए। महाराज वेग चलता है वायु का तो शबरी जी को छूता है, छू करके शबरी जी एकदम से महाराज हतप्रभ हो करके कहीं प्रभु तो नहीं आ गए कहीं प्रभु तो नहीं आ गए, ऐसी दिव्य आशा के साथ शबरी सेवा कर रही है। महाराज वह दिव्य क्षण आ ही गया जिस क्षण की शबरी जी प्रतीक्षा कर रही थी।
महाराज राम जी जो है पूछ रहे हैं, राम जी पूछ रहे हैं कि शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है। लक्ष्मण जी चौंक गए कि शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ, ये कौन है शबरी। तो प्रभु बार बार पूछ रहे हैं, पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी। शबरी के आश्रम परिधि में पहुंच गए, शबरी के आश्रम परिधि में पहुंच गए, भई रघुनंदन की दशा कुछ अजबरी। पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी। पूछ रहे हैं महाराज शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है। लक्ष्मण जी चौंक रहे हैं, कौन शबरी कौन शबरी। भगवान एकदम से विफल हो गए हैं, जैसे भगवान भक्त भगवान को मिलने के लिए महाराज तड़प उठता है, वैसे ही भगवान भी भक्त को मिलने के लिए तड़प उठे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। महाराज लखन बार बार चौंक रहे हैं, लखन चकित ये शबरी कौन है, लखन चकित ये शबरी कौन है, यह नयो नाम सुन्यो मैंने अबरी, यह नयो नाम सुन्यो मैंने अबरी। पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी। उत शबरी दर्शन को व्याकुल, उत शबरी दर्शन को व्याकुल, जीवन की अवधि बीती सबरी, जीवन की अवधि बीती सबरी। पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी। महाराज पूछ रहे हैं कहाँ है मेरी शबरी, कहाँ है मेरी शबरी। महाराज सारे के सारे विद्वान ब्रह्मऋषि राजऋषि वेद ऋषि मनीषी बड़े बड़े न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योगिंद्र मुनिंद्र कविंद्र इत्यादि समस्त टकटकी लगाए बैठे हैं कि भगवान मेरे आश्रम में आवेंगे, भगवान मेरे आश्रम में आवेंगे। जैसे ही भगवान निकल रहे हैं तो सारे के सारे अपने आश्रम का मार्ग खोल रखा है महाराज, लेकिन श्री भगवान ने किसी मार्ग को नहीं देखा। बार बार पूछ रहे हैं उन्हीं से ही जिन्होंने शबरी जी का अपमान किया है, कहाँ है शबरी, कहाँ है शबरी। महाराज जैसे ही भगवान आए हैं शबरी जी के साथ, मानस जी का दर्शन कीजिए। ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा, शबरी के आश्रम पगधारा, शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझी जी जाए। शबरी जी ने देखा कि राम जी आ गए हैं। महाराज शबरी जी ने देख करके राम जी को पहले प्रणाम नहीं किया, वाल्मीकि जी का दर्शन कीजिए यहाँ पे। जैसे ही शबरी जी ने देखा राम जी आ गए हैं, तुरंत अपनी कुटिया के पीछे महाराज वृक्ष के नीचे भागी है, भाग करके जहां उनके गुरुदेव की दिव्य ज्योति है, महाराज भजन स्थली है, उसको साष्टांग प्रणाम किया है। महाराज पंचांग प्रणाम जब किया है उनको तो देखा है महाराज, कहा है उनको उस दिव्य तेज पुंज के सामने, आप धन्य हैं गुरुदेव, आज आपके दिव्य प्रसाद से साक्षात परब्रह्म मेरी कुटिया में चल करके मुझे धन्यात धन्य करने आए हैं। अरे गुरुदेव की कृपा से ही ठाकुर जी मिलेंगे, इसका प्रमाण आज मिल गया है। महाराज आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। प्रणाम करके आंख में आंसू भर करके महाराज अपने गुरुदेव की चरण पादुका अपने सर पर रख करके श्री राम जी के पास शबरी जी पहुंची हैं और अपने गुरुदेव की चरण पादुका को श्री राम जी को दर्शन कराए हैं कि देखो ये मेरे गुरुदेव की दिव्य चरण पादुका है। राम जी ने प्रणाम किया है, महाराज गुरुदेव की चरण पादुकाएं रखी है। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला, श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। अब शबरी जी ने प्रणाम किया है राम जी को, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा,
सागर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा रे। नैनों में भरकर नीर को शबरी जी ने कहा, प्रभु बैठिए, भगवान को आसन पे बिठाया है। महाराज दिव्य महाराज जल के कलश से श्री राम जी के पद प्रक्षालन किए हैं, पद प्रक्षालन ही नहीं किया है, महाराज श्री भगवान को बैठ कर के दिव्य आरोगित जो कंद मूल फल इत्यादि शबरी जी चुन चुन के लाए हैं उनको श्री भगवान को अर्पण किया है और श्री भगवान प्रेम से पा रहे हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम पहान, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। हाँ बारंबार बखान, भगवान को दिए हैं, भगवान बार बार उन फलों की तरफ देख रहे हैं और शबरी जी की तरफ देख रहे हैं, फलों की तरफ देख करके फिर शबरी जी की तरफ देख रहे हैं। महाराज बड़े बड़े देवताओं के महाराज बड़े बड़े महाराज अयोध्या इत्यादि जनक इत्यादि के समस्त मिष्ठानों की शोभा गिर गई है इन शबरी जी के फल के आगे। और महाराज देख करके उस दिव्य कंद मूल को श्री भगवान अपने सौभाग्य की कैसे महाराज प्रशंसा कर रहे हैं। मैया मेरा कैसा सौभाग्य है कि तेरी जैसी भक्ता के हाथ से मैं ये आरोग रहा हूँ। महाराज श्री शबरी जी बार बार उनका पुलक शरीर हो रहा है, कैसे पुलक शरीर, स्तंभ स्वेद अश्रुकंप पुलक वही वर्ण दोहार मुखी ते सुनी गदगद कृष्ण वर्ण। जब महाराज राय रामानंद और श्रीमन महाप्रभु मिले हैं जो दिव्य प्रेम के दिव्य संपद उदय हुए हैं, आज श्री शबरी जी को वही महाराज स्तंभ स्वेद अश्रुकंप पुलक वही वर्ण, स्तंभ स्तंभित हो गए हैं, अश्रुकंप हो गया है, सारा शरीर पुलकायमान हो गया है और महाराज श्री राम जी के आगे वो दिव्य दोना प्रस्तुत किया है। श्री भगवान दिव्य चख रहे हैं उसको और महाराज चक्कर के बार बार शबरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर क्या, फिर महाराज जी शबरी जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं प्रभु। तो महाराज लिखा है के ही विधि अस्तुति करूं तुम्हारी, के ही विधि अस्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी, अधम जाति में जड़मती भारी। मैं तो आपकी क्या स्तुति करूं, पर आप तो साक्षात विद्योत पुंज हैं प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे दिव्य कोई ज्ञान प्रदान कीजिए। महाराज शबरी जी शबरी देखो शबरी जी को जो नवदा भक्ति श्री भगवान ने प्रदान करी है वो तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, लेकिन जब नवदा भक्ति प्रदान करती है, देखो यदि हम में कोई कोई क्वालिटीज हैं, अगर आप में कोई एक क्वालिटीज है और वो क्वालिटीज मैं आपको सुनाऊं कि ये क्वालिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो आप में पहले से ही उपस्थित हैं, तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राम जी जानते हैं कि ये समस्त नवदा भक्ति श्री शबरी जी में है। कहा है ना, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई सावधान सुनु धर्म न मानी। कहा है श्री राम जी ने कि ये नवदा भक्ति जो मैंने आपको बखान करी, नवदा भक्ति ये सब, लेकिन ये सारी की सारी नवदा भक्ति आपने पहले से ही प्रस्तुत है शबरी जी, नवदा भक्ति ये सारी की सारी आपने प्रस्तुत है। इनमें एक हूं जिनके होई नारी पुरुष से चराचर कोई, सोयति सह प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जिस अगर इन नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के अंदर है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन धन्य है शबरी आप में ये नौ की नौ भक्ति प्रतिष्ठित है। अब नौ की नौ भक्ति प्रतिष्ठित होने के बाद भी महाराज ये पता पर फिर भी शबरी जी को हम लोगों के लिए उपदेश कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन करी संगा राम जी की जय जय, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा सिया राम जी की जय जय, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति प्रभु गुण गन कर ही कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छटकम सील विरति बहु कर्मा, निरख निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा सम हर मैं जग देखा, हरिते संत अधिक कर लेखा।
देखा आठ बज थाला संतोषा सपने हु नहीं देखी पर दोसा नवम सरल सब सन छल ही ना हरि भरोस ही हर शीनली ना नवदा भगती कहाँ हो तो ही पाई सादर शबरी शीश धरी आई महाराज जी मोकिनो भक्ति श्री राम जी ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा संतों का संग करना ही प्रथम भक्ति है श्रवणात् पहली श्रवणम श्रवणम कस्य श्रवणम संत निकटे श्रवणम महाराज पहली भक्ति संतन करी संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग मेरी कथा में और अपनी कथा प्रसंगों में अपनी रति हो जाए दूसरी भक्ति है प्रभु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान प्रभु के दिव्य पंकज पाद पंकजों की सेवा महाराज अर्चनम जो है वह तीसरी भक्ति है महाराज लेकिन कैसे अमान अपने आप को मानहीन बना करके एक एक भक्ति पे कंडीशंस अवेलेबल है महाराज मानस जी में चौथी भक्ति प्रभु गुणगन कर ही कपट तजगान कपट को तज करके मेरा गुणगन गाओ महाराज पांचवा जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखी परिदोषा जितना जो मिल जाए उसमें संतोष करके दूसरों की महाराज दूसरों के दोषों को महाराज नहीं देखना आजकल यही तो है महाराज दूसरों के दोष तो अधिक ही है कोई पूछता है अब कहीं और से अगर मान लो थीसिस ले ली तो बोलते हैं गुरुजी की कथा तो नहीं सुनता है गुरुजी की कथा तो नहीं सुनता है और कोई और ग्रंथ पढ़ा रहे भैया दिव्य ग्रंथ वैष्णव ग्रंथों में से ही दिव्य शबरी चरित्र आएगा तो इसमें क्या इसमें दोष क्या है पर फिर भी यदि बोलना है तो कटाक्षम कटाक्षम एकदम कटाक्ष में कटाक्ष हो जाए ऐसे का क्या देखना है महाराज अच्छा महाराज पांचवा जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देख रही परिदोषा महाराज छठकम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सज्जनों के धर्म को देखो सातवा सम हरि मय जग देखा प्रभु ते संत अधिक करि लेखा भगवान संत को भगवान से अधिक मानो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं नवम सरल सब संचल हीना हरि भरोसे लिए हरि सिन दीना महाराज सारे के सारे छल को छोड़ करके केवल भगवान के भरोसे श्री भगवान का गुणगान गाओ ये समस्त नवदा भक्ति का प्रसाद श्री शबरी जी को दिया है अच्छा महाराज जब शबरी जी को ये सब दे दिया अच्छा वो जल जो है वो जो पानी जो है वो खून का बच्चा भर गया था तो महाराज सारे के सारे ऋषि सोच रहे हैं कि राम जी आए हुए हैं तो वो जो भरा हुआ कुंड है जिसमें रक्त पानी हो गया है महाराज तो महाराज कहा कि राम जी के स्पर्श से जब अहिल्या जी पार हो सकती है तो ये खून का और क्रीमी पार भरे हुए कीड़े का जो कुंड है ये भी तो साफ हो सकता है राम जी से कहा कि आप जाकर के इस पे अपने चरण का पक्ष महाराज चरण की धूली इसको दो चरण आप इसके चरण का स्पर्श कराओ तब ये जो पूरा कुंड है ये परम शुद्ध हो जाएगा राम जी ने कहा ठीक है यदि मेरे स्पर्श से यह कुंड स्वच्छ हो जाए तो मैं जाकर के महाराज वो स्पर्श कर देता हूँ तो जैसे ही राम जी गए उन्होंने वह कुंड को अपने जल अपने महाराज चरण के अंगूठे से स्पर्श कराया तो देखा उसके अंदर और कीड़े निकल आए महाराज साफ नहीं हुआ यद्यपि भगवान तो समस्त मल को समस्त महाराज बड़े बड़े महाराज पाप को शमन करने वाले श्री भगवान है तो यह किस गिनती में आता है परंतु शबरी जी की महिमा करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए महाराज सारे के सारे सोच रहे हैं कि जल का सुधार कैसे करें जल का सुधार कैसे करें आवत सुने हैं पन पथ रघुनाथ कहूं आवे जब कहे या को भेद कही दीजिए मैं हमने सुना है रघुनाथ जी आए हैं तो जरा जो रघुनाथ जी आए हैं जो हमारे यहाँ नहीं पहुंचे हैं जरा उनको कह देते हैं कि आप जाइए और जल का प्रक्षालन कीजिए महाराज पर कुछ नहीं हुआ तो राम जी ने कहा इतने ही माज सुनी शबरी के विराजे गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए शबरी जी से कहा महाराज राम जी ने चलो जाकर के आप अपना चरण छुआओ इस जल को शबरी जी संकुचित हो गई भगवान ये क्या कह रहे हो आप
कहा जो मैं आदेश दे रहा हूँ उसका पालन करें शबरी जी, जाइए और जाकर के अपने चरणों को छुआइए। जैसे ही महाराज उस कुंड में शबरी जी ने अपना चरण धरा है तो महाराज आए खून से कहीं नीर को पाए कहूं कहो पग भिलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। जैसे ही महाराज वो उन्होंने जल अपने अंगूठे से महाराज जल को छुआ है सारा का सारा जल इतना पवित्र हो गया महाराज, सारा जल निर्मल हो गया। सब लोगों ने शबरी जी की महिमा गाई, जय हो माता शबरी की जय हो, भक्तिनी शबरी की जय हो, श्री रघुपुंगा की जय हो, जानकी रमण की जय हो। महाराज ऐसा दिव्य शबरी चरित्र महाराज बड़ा ही संक्षेप में व्यास समासक व्यास शैली में श्री गुरुदेव ने बुलवाया है। इन्हीं की कृपा से महाराज जो भी कुछ बोल पाया मैं सब इन्हीं की कृपा से बोल पाया, इन्होंने पढ़ाया है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब इन्हीं का कृपा प्रसाद है। महाराज अल्प बुद्धि में कैसे इतने दिव्य स्तोत्र स्तव कैसे टिक पाएंगे, जब गुरुदेव का महाराज हस्त पुंज दिव्य कृपा पुंज जब मस्तक में हो जाएगा तो महाराज ये शास्त्र तो क्या चीज है, पर ब्रह्म के मुख से उच्चरित दिव्य वाक्यों को श्रवण करने की पात्रता आ जाती है। महाराज ऐसे दिव्य सद्गुरु को बार बार चरण कमलों में महाराज जी के दंडवत अर्पण करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को निभा तुलसीवर रामचंद्र की जय, सबरी माता की जय। इनको दे दो प्रभु मेरे उठे बिना मेरे गुस्से बिरंगे तीर गावन जाऊंगे वृंदावन जाऊंगे सखे काली जाऊंगे जाओ।
नारायण गोस्वामी महाराज विजय हित लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी।